क्या अभी भी पढ़ने पर परीक्षा में आपके 90% अंक या उससे अधिक अंक आ सकते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों, ये सवाल हमसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर क्या मैं अभी से पढ़कर 90% या उससे ऊपर ला सकता हूँ या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये आपका बहुत ही वाजिब सवाल है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपके सवाल में ही प्रॉब्लम है। अब दोस्तों वो कैसे है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका एपीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज दोस्तों आज का वीडियो मेरा एक प्रश्न के ऊपर है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हम अभी से पढ़ करके भी 90% लेकर के आए। तो देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब आपके पास सीमित समय है। अपने समय की वैल्यू अगर आप समझ रहे होंगे, अगर आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करेंगे, समय को सही चीजों के में लगाएंगे, पढ़ने में लगाएंगे और बाकी सारी चीजें छोड़ करके बाकी सारी चीजें भूल जाइए, कितने परसेंट आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, ये तो दोस्तों आपके हाथ में नहीं है। सकता हो कि जो बच्चा बहुत अच्छा लिखा हो, बहुत अच्छा पढ़ा हो, उसके मार्क्स भी उस तरह से ना आए जैसा उसने सोचा। तो आपके हाथ में केवल आपकी मेहनत है। आप ये ठान लो कि मुझे इतना परसेंट लाना है चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो आपको केवल फोकस करना है। फोकस आपको कहाँ करना है, पढ़ने पर ध्यान देना है। मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मेरी कितनी तैयारी है, परसेंटेज के बारे में तो सोचिए ही मत। वो तो दोस्तों आपकी मेहनत का आउटपुट आपको मिलेगा ही, मेहनत का रिजल्ट आपको मिलना ही है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो आप मेहनत करेंगे वो आपके सामने आपके परीक्षा परिणाम में आपको अवश्य दिखेगा। तो अब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं एपीएम क्लासेस की, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, अब आप लोग परसेंटेज के बारे में ना सोचें, 60, 50, 70, 90 ऐसा कुछ मत सोचें। आप अपने मेहनत पर ध्यान दें, अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लें दोस्तों कि आपके अपने आप परसेंट आएंगे। जब आप लिखोगे तो अपने आप आपके परसेंटेज आएंगे, आपको परसेंटेज लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको चीजों को अब सही करना है। अब देखिए, आप जितना भी काम करते थे फालतू की चीजें, जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे, अब सबको खत्म करिए। अब आप केवल अपना एक ध्येय रखिए, केवल एक एम रखिए कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर दी, 4 दिन में कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी भी बहुत समय है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने बचे हुए हैं दोस्तों। अब तो मैक्सिमम परीक्षा बोर्डों के, मैक्सिमम बोर्ड्स के टाइम टेबल भी आपके सामने है, तो अब आपके पास टाइम टेबल भी है। तो अब आपको अपना एम क्लियर रखना है कि मुझे अब परसेंटेज लाना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे पढ़ना है। तो ये काम अपने आप रख लीजिए। अब आप रूटीन में आइए। आप लोग बस सोचने में अपना समय गंवा रहे हैं, सोचते सोचते ये देखिए इतना नजदीक आप आ गए एग्जाम में। ये काम दोस्तों आप अप्रैल से सोच रहे हैं, जुलाई आया, सितंबर आया, बहुत सारी चीजें आ गई, हाथरली आपके चले गए। अब आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो बोर्ड की आपकी तैयारी चल रही है। तो अब आप पैनिक मत होइए। अगर आप नहीं भी अभी कुछ पढ़े हैं, अब आप फोकस्ड हो जाइए कि नहीं, मुझे अब पढ़ना है, जितने दिन बचे हैं मैं इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करूंगा, मैं इनका अच्छा उपयोग करूंगा, सबसे अच्छा मैं ये दिन बताऊंगा। जो भी दिन मेरे पास बचे हैं, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जो भी मेरे एग्जाम में बचे हैं, अब मेरे सामने मेरी डेट शीट है। तो अब मुझे इधर उधर नहीं सोचना है, अब मुझे केवल अपनी परीक्षा के बारे में सोचना है, अपनी परीक्षा में अच्छा करने के बारे में सोचना है। तो ये प्रश्न आप पहले मन से निकालिए कि मेरे 90% आएंगे कि नहीं। पहले आप उतनी मेहनत तो करिए दोस्तों, आप मेहनत करने से ही भागते हैं, मेहनत आप करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप मेहनत से बच रहे हैं, आप इधर उधर की चीजें मत सोचिए। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई पर केवल फोकस करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपका रिजल्ट अपने आप आएगा, आपको अपने रिजल्ट में वो बातें देखने को मिलेंगी। इसलिए आप अपने ऊपर संदेह मत करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे, क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं उन बच्चों के लिए विशेष वीडियो है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक इतनी तैयारी शुरू ही नहीं की है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, तो अब आप अगर बुक उठाने जाओगे तो आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब आप क्या करो, अपने क्लास के नोट्स, कोचिंग के नोट्स, बुक के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चीजें हैं उनकी एक ओवरऑल समरी ले लो। आपसे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप अपना आंसर लिख पाओगे। एटलीस्ट दोस्तों 90% नहीं, लेकिन आप 60-70% के रेंज में रहोगे। और अगर आप 90% चाहते हो तो आप एक काम करो, अपने क्लास नोट्स को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, सैंपल पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना शुरू करो। अब उनकी प्रैक्टिस में आप आदत डालिए। अब आप, मैं जो बार बार कहता हूँ, एग्जाम टाइम में 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगा करके पेपर की प्रैक्टिस करिए। उन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए जो बार बार आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं दोस्तों, ये काम आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है। कंफ्यूजन को पहले हटाइए, कंफ्यूजन अपने अंदर से ये निकाल दीजिए कि मेरे परसेंटेज आएंगे कि नहीं, क्यों नहीं आएंगे। दोस्तों अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके परसेंटेज क्यों नहीं आएंगे, लेकिन
अब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाइए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे सेलफोन ज्यादा नहीं चलाना है, मुझे घूमना नहीं है बाहर, दोस्तों के साथ मैंने बहुत हैंग आउट कर लिया, अब मेरा नया साल है, मैं नए साल पे प्रतिज्ञा लूं कि मैं बोर्ड में 90% लेकर आऊंगा, मैं बोर्ड में बहुत अच्छा करूंगा और मेहनत करूंगा, सोचूंगा नहीं, मैं जो सोचूंगा उसे करके दिखाऊंगा, मैं मेहनत के दम पर परसेंटेज लाऊंगा। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनर ही क्यों ना हो, अगर आपने सही चीजें लिखी हैं तो आपको वहां पे उसका रिवॉर्ड, आपको वहां पर मार्क्स के फॉर्म में दिखेंगे, आप अपने रिजल्ट को देखकर खुद खुश होंगे। तो सोचना बंद करिए, पहले मैं बार बार कह रहा हूं, सोचना बंद करिए। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कैसे आपको करना है, सबसे पहले आपने चैप्टर्स का ओवरव्यू ले लीजिए, अब एक एनालिसिस रिपोर्ट आप बना लीजिए। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, हर ऑडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ, हर वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए, आपके कितने चैप्टर्स तैयार हैं, कितने चैप्टर्स आपके वीक हैं, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये काम दोस्तों आप नए साल से पहले कर करके और अब लग जाइए, अब आप कुछ मत सोचिए, इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है आपको, कुछ भी नहीं देखना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है आपको, आपको कुछ प्लानिंग नहीं करनी है, अब आपको केवल अपना इतना ध्येय रखना है कि मैं पढ़ूंगा। आपको कष्ट होने वाला है बिल्कुल, लेकिन अगर आप यही कष्ट 50-60 दिन झेल जाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको अपना रिजल्ट देखकर जो खुशी होगी दोस्तों, वो आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ सर अब मुझे इस बात का महत्व समझ में आ रहा है जो आपने मुझसे कहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये समय चला जाएगा दोस्तों, वापस नहीं आएगा, फिर आप अपने 12th में सोचेंगे कि मैं 12th में ऐसा कर लेता, मैं 10th में ऐसा कर लेता, क्योंकि दोस्तों ये सभी के साथ होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। जब हम उस टाइम में रहते हैं तो हम उस टाइम की वैल्यू समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम को पास कर लेते हैं, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो मुझे लग जाता है कि थोड़ा सा और अगर मेहनत कर लेते तो मेरा परसेंटेज आज कहीं और होता और मेरी लाइफ कहीं और होती और मैं कुछ और कर रहा होता। तो ये काम करने से आप बचे, रिग्रेट से अच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा पेन लीजिए और मेहनत को शुरू कर दीजिए। अब आपको केवल फोकस होना है, सोचना आपको बंद करना है। बहुत लोग दोस्तों अपना सोचने में ही समय बर्बाद कर दे रहे हैं, तो सोचना क्या दोस्तों, लग जाइए। अब अपने परीक्षा के परिणाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना बेस्ट दे दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, आप बेस्ट हो अपने आप में। एक बात जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों, असंभव कुछ नहीं है, हार लो तो जीत है, मान लो तो हार है। दोस्तों यही आपको अपने जिंदगी में अपनाना है, इन 50-60 दिनों में जो भी आपके पास बचे हुए गिने चुने समय, मैं सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। आपका टाइम टेबल आ चुका है, अब आप बहुत मेहनत करिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप PCM ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो डाउटनेट नाम का दोस्तों एक ऐप है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप दोस्तों इसमें PCM रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप दोस्तों क्वेश्चन की फोटो खींच करके क्लिक करके अपलोड करिए, डाउटनेट एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ